लुकबासा आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं जिला आयुष अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में आज आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन जैन मैरिज गार्डन लुकबासा में किया गया, जिसमें भगवान धन्वंतरी एवं डॉक्टर हैनीमैन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन श्री देवेंद्र रघुवंशी एवं श्री हरि ओम रघुवंशी जिज्ञासा रघुवंशी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस शिविर में आयुष विभाग के द्वारा आयुष को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से आयुष औषधीय पौधों से जनमानस को परिचित करवाना एवं आयुष औषधीय आहार विहार एवं ऋतुचर्या के बारे में जनमानस को परिचित करवाना एवं योग के बारे में भी जनमानस को परिचित करवाना एवं योग के बारे में भी जनमानस को परिचित करवाने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयां स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क प्रदान की गई। शिविर का आभार प्रदर्शन डॉक्टर गोपाल दंडोतिया के द्वारा किया गया। मरीजों का परीक्षण डॉक्टर राम कुमार गुप्ता एवं डॉक्टर गोपाल दंडोतिया एवं डॉक्टर संध्या जैन एवं डॉक्टर प्रियंबदा शर्मा एवं डॉक्टर नीलेश मेहता एवं डॉक्टर रश्मि यादव के द्वारा किया गया। आज आयुष विभाग का कार्यक्रम है, आज का क्या कहना है? आज मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के तत्वाधान में आज ब्लॉक स्तरीय आयुष मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आयुष विभाग के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस प्रदर्शनी में आयुष औषधीय पौधों के महत्व के बारे में जनमानस को बताया गया एवं दैनिक उपयोग में आने वाले आहार विहार एवं ऋतुचर्या दिनचर्या एवं योगा के बारे में भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया एवं आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गई और किस तरीके से आयुष औषधीय दवाइयों का दैनिक जीवन में उपयोग लेना चाहिए एवं सभी यहाँ आने वाले मरीजों को कैरी का पना प्रदान किया गया एवं बेल का जूस प्रदान किया गया एवं उसको बनाने की विधि बताई गई और जूस से बचाव के बारे में प्याज का उपयोग एवं अन्य घरेलू आयुष औषधीय पौधों के बारे में बताया गया।